हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी बज गए हैं 10 और मैं लेके जा रही हूँ नाश्ता निम्मी के लिए, और मैं भी वही नाश्ता करूँगी। और आज है 2 अक्टूबर, सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छे मौसम के साथ में। तो व्यू दिखाती हूँ मैं आज का आपको। तो मौसम है कुछ आज ऐसा, और कभी धूप कभी बादल लग रहे हैं आज। तो अभी तो थोड़ा हल्के बादल लगे हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ निम्मी लोग के पास नाश्ता लेके। तो मैं लेके जा रही हूँ पानी, और यहीं से भर के ले आती हूँ नाले से। और ये है मेरी बोतल। तो ये है नाले के अंदर इतना सारा पानी, ये सारा स्रोतों का पानी होता है। पानी की बोतल मैंने भर ली है। बोतल भरने के बाद मैं निकल गई हूँ आगे खेत की तरफ। ये है खेत हमारा। मम्मी लोगों ने इतना घास काट दिया है, आगे उधर पहुंच गए हैं मम्मी लोग घास काटते हुए। तो मैं भी उनके पास जा रही हूँ। मम्मी हमारे इस बूझे में बैठी हुई है अभी, घास काट रही है। आज है मम्मी और भैया का हवी, क्योंकि कल पापा का श्राद्ध होना है। तो मम्मी और भैया तो आज नाश्ता नहीं करेंगे, और मैं और निम्मी करेंगे नाश्ता। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आ गए थे सुबह सुबह खेत में, और मम्मी और मैं, और मेरे को ना इतनी ज़्यादा भूख लगी, मुझे दीदी को देख के गुस्सा भी आ रहा है। 10 बजे आ रही है पूरे, और मैं भूख के मारे मर रही हूँ। और इसका मुंह देखो यहाँ पे कैसा बना रही है। घर के सारे काम भी करने हुए हैं। तो यार गाइस, खेत में काम करते करते भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है इसलिए। और आज जो मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि जहाँ हमारा एक लूटा और बचा हुआ है, तो उस वाले खेत में हम पहुँचे हैं। आधा हमने काट दिया, आधा उस साइड को पूरे लास्ट तक काटना है। काटते फटाफट सा पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो हो रही हूँ बहुत ज़्यादा भूखी। मेरे पेट में दौड़ रही है। यू रोटी और सब्जी और अचार और चाय। तो गाइस फाइनली 12:30 हो चुके हैं, और हमारी पूरी घास कट चुकी है। जहाँ से मम्मी आ रही है उससे भी वो लास्ट तक था हमारा, वहाँ तक पूरा काट दिया हमने। और अब हम डाल रहे हैं एक मंडुए की घास वाली, जो हमने काटी थी सूख गई है, उसका लूटा लगाना है। फिर उसके बाद घास बांधनी है, उसके बाद जो घास सूख गई होगी उसको बांध के उसका लूटा लगाते हैं। तो यार काफ़ी ज़्यादा थकान भी होगी, और बड़ी मुश्किल से कटी है घास। कैसा लग रहा है फिर आपको आज? क्या कहना चाहोगे क्यों इससे सर में दर्द होने? तो गाइस 2 बजने वाले हैं, और हमने 3 लूटे डाल दिए हैं, मतलब एक घास का और 2 मड़ो की घास की। और बारिश भी होने लग गई आज, तो हल्का हल्का बूंदाबांदी होने लगी है, और सभी लोग अपने घास से मिटने लग गए हैं। लेकिन यार इतनी मेहनत करने के बाद एकदम से अचानक से बारिश आ जाने, तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है, क्योंकि घास गीली हो जाती है। तो अभी ज़्यादा तो लग नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा आ रही है बारिश। और मैं यहाँ पे पी रही हूँ मरंडा, ये लेके आया था भैया अभी, क्योंकि हमको पानी की बहुत प्यास लग गई थी, और जो हम सुबह पानी लेके आए थे वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए आज भैया घर पे ही था। तो भैया से मंगाया हमने पानी और एक कोल्ड ड्रिंक, तो मैं ये पी रही हूँ। और लूटा मैं दिखाती हूँ आपको। इस बारिश की बूंदें जो पड़ रही थी वो भी कम हो चुकी है, और मम्मी ये घास लेके आ रही है, इतना घास यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। थोड़ा बहुत और बांधना हमने, और एक लूटा मैंने ये डाल दिया है घास का, और एक लूटा मैंने यहाँ डाल दिया है मंडुए की घास, और एक लूटा डाले है मैंने इस वाले पेड़ में, ऊपर वाले में। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर, और हमारा एक लूटा बिक चुका है, तो वो हमने छोड़ दिया है। और देखो इतनी सारी बारिश भी आ चुकी है, पूरा आंगन गीला गीला सा हो गया है। और अब मैं हो चुकी हूँ फ्री, मतलब काटने से फ्री हो गई, लेकिन एक दो लूटे और डालने हैं, मतलब वो मंडुए की घास की, और फिर उसके बाद भट घाट वगैरह निकालने हैं। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, और अब मैं बनाती हूँ रील।
तो बाकी मैं रेडी होती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ आज। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। जो दाढ़ी हम उस दिन मैं तोड़ के लाए थे वो हमने सुखा दिए थे और ये पूरी तरीके से सूख चुके हैं। अब मैं इनको डिब्बे में भर देती हूँ। तो खेतों का काम करने के बाद निम्मी हो गई है फिर से तैयार अपना एक रील्स बनाने के लिए। एक सॉन्ग आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है तो उस सॉन्ग पे इसको एक रील बनानी थी तो मैंने इसकी रील भी बना दी है और इसका गेटअप कुछ इस तरीके का है। और आज मैंने दीदी की दी हुई गिफ्ट वाली साड़ी पहनी हुई है। बारिश हो चुकी है अब बंद और धूप आ चुकी है। वैसे भी धूप ही आनी चाहिए क्योंकि बहुत लोग की घास काटनी है और बेकार हो जाता है बारिश हो जाती है तो। और मम्मी लोग का आज हबीक है जैसे कि दीदी ने आपको बताया कल शायद है। मम्मी लोग थोड़ी देर में अपने लिए मतलब खाना वाना बनाएंगे और गगरास वगैरह देंगे पापा को। जैसे मम्मी ने बोला मुझे कि तुरई तोड़ दे तो मैंने इतनी सारी तुरई तोड़ दी है। मेरे पापा की फेवरेट सब्जी भी थी बट और श्राद्धों में इसका साग मतलब सूप माना जाए मतलब सूप क्या सगुन होता है मतलब तो तुरई हो रही थी हमारी तो मैंने तोड़ दी है इतने सारे। थोड़ा बहुत अभी मम्मी आलू के साथ इसमें मिक्स करके बनाएगी थोड़ा बहुत हम कल के रखेंगे ये।